इस बार आस्था के महापर्व छठ में गाजीपुर की व्रतियों संग श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत होने के संकेत दिख रहे हैं। गाजीपुर में गंगा मुख्य घाट से दूर चली गई है। लोगों को बालू में करीब आधा किलोमीटर चलने पर गंगा का किनारा मिल रहा है। गंगा किनारे तक पहुंचने वाले रास्ते पर लगा पानी भी लोगों की दिक्कतों में इजाफा कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि खासकर बुजुर्गों को काफी परिश्रम के बाद ही माँ गंगा तक जाना पड़ेगा। ददरी घाट पर जाने वाले श्रद्धालुओं में इसे लेकर चिंता है, क्योंकि कभी इस घाट की सीढ़ियों को स्पर्श कर बहने वाली मोक्षदायिनी आज इससे काफी दूर चली गई हैं। घाट के किनारे सिर्फ बालू और मिट्टी दिखाई दे रहा है। इस रूप को देख बुजुर्ग भी ये कह रहे हैं कि इस मौसम में गंगा का ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा था। गंगा मैया के घाट छोड़ने से जहां स्नान करने वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं, वहीं सबसे ज्यादा समस्या छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को होगी। उन्हें बालू के रेत के बीच करीब आधा किलोमीटर की दूरी तय कर माँ के पास पूजन अर्चन के लिए जाने को विवश होना पड़ेगा। छठ पूजा पर लोगों के आने जाने के लिए नगर पालिका के करीब 10 कर्मचारी बोरे में बालू भरकर रास्ता बना रहे हैं, ताकि आराम से लोग आ जा सके। इस रास्ते के सहारे छठ पूजा करने वाले लोग रेत पर पहुंच रहे हैं और पूजा के लिए वेदी बनाकर अपनी जगह रिजर्व कर रहे हैं। नगर के अन्य कई घाटों की स्थिति भी कुछ इसी तरह से हो गई है। माँ गंगा घाट को छोड़ दूर चली गई है, जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।